नमस्ते, निशा बेगम कलाजीज किचन से आप सबको बहुत बहुत स्वागत है व्यूवर्स। चलिए निशा बेगम कलाजीज किचन से आप सबके लिए आज कुछ जबरदस्त डिश बनने वाला है जो आपको सेहत के लिए भी बहुत ही फायदा मंद है। ऐसे तो हर कोई डिश हमारा देखे हैं, आज ये वाला डिश जरूर देखिएगा, मिट्टी से लगाओ फल का। तो देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं मिट्टी का आलू। मिट्टी का आलू का फ्राई हम मसालादार बनाएंगे, एकदम चटपटा सा और इतना सुंदर लगेगा, इतना टेस्टी लगेगा। देखने में जितना सुंदर लगेगा, खाने में उससे कहीं गुना टेस्टी लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारा वीडियो को थोड़ा सा देख के आधा देख के भाग नहीं जाइएगा, हमारा वीडियो फुल देखिएगा और कोई भी चीज पूछने का होगा और कितना अच्छा लगा है और कहाँ कहाँ से देख रही है हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारा चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मसाला हम बाद में दिखाएंगे क्या क्या लेंगे, पहले हम मिट्टी का आलू का दिखाते हैं। तो देखिए ये पूरा गोटा था, हम आधा काट लिए थे कल, इसको काट के रखे हैं। इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए इस टाइप का पतला पतला हम काट लेंगे, जैसा आपको काटने का मन करेगा, बेठी हो चाहे चाकू हो उस टाइप का आप काट लगाइएगा, क्योंकि जैसा जैसा आप काटिएगा वैसे वैसे आपका डिश भी बन के रेडी होगा। तो देखिए इसको हम थोड़ा अलग टाइप का काटेंगे, ये देखिए इस टाइप का हम सारा चीज इसी टाइप का काटेंगे और इसका जो छिलका है ऊपर से हम इस टाइप का थोड़ा सा काट लगा के हम निकाल लेंगे इसका छिलका, ये देखिए इस टाइप का, और सारा काट के हम आपको दिखा रही हैं। तो देखिए इसका हम कोई डिजाइन करके नहीं काटे हैं, ये इसका डिजाइन ही ऐसा निकल के आया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका डिजाइन ही ऐसा निकल के आया है, पूरा एकदम पन का पत्ता का तरह लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम भी उतना खूबसूरत खूबसूरत से और जबरदस्त से टेस्टी बनाएंगे। देखिए हम काट लिए हैं, ये देख सकते हैं आप सारा हम काट लिए हैं और काट के उसको छील लिए हैं, वॉश भी कर लिया। अब चलिए चूल्हा का तरफ। तो देखिए चूल्हा में हम पहले से कढ़ाई बैठा दिए थे, इसमें तकरीबन पौने एक लीटर का लगभग पानी दे दिए हैं, पानी में हमारा बॉयल बना दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक टी स्पून नमक हल्दी दे देंगे, एक टी स्पून हल्दी दे देंगे और डेढ़ टी स्पून हम इसमें नमक दे देंगे, सादा नमक। अब देखिए ये जो आलू है, ये आलू सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम एक मिनट पकाएंगे, क्योंकि हमको डीप बॉईल नहीं करना है, हमको हल्का ही इसको बॉईल करना है, हाफ बॉईल। इससे क्या होगा, इसका जो लस है वो लस खत्म हो जाएगा और प्लस फ्राई भी बहुत अच्छा से होगा। हम इसको उलट पलट के बॉईल करेंगे, तब तक चलिए एक बॉल में हम मिक्स करते हैं इसका सामान, ये जब तक हो रहा। आप चाहे तो इसका ढक्कन भी लगा सकते हैं, हम बिना ढक्कन का ही इसको पकाएंगे, ढक्कन का कोई जरूरत नहीं, फ्लेम हमारा हाई है, हाई फ्लेम में ही हम पकाएंगे। और कौन कैसा डिश खोजते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका सामने में कोशिश करेंगे जल्दी बना के देने के लिए आपको वो वीडियो, ताकि आप देख सके। कोई भी डिश अगर खाने का मन कर रहा और आप बनाने नहीं जानते हैं, तो अगर हमारा चैनल में नहीं है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि वो डिश हम आपका सामने में जल्दी से जल्दी ला सके। तो आइए मिक्स करते हैं। तो देखिए एक बॉल ले लिए हैं, एक बॉल में हम पहले क्या करेंगे, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे जो सारा मसाला हम दिखाए थे वो ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो हरा मिर्चा भी दे सकते हैं पर लाल मिर्च पाउडर अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखिए हम ऐड करेंगे
प्याज का पेस्ट 2 चम्मच और यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा नारियल पीस के रखे थे, इसका भी हम जूस निकाल लेंगे। अच्छा है, आप ऐसे भी दे सकते हैं। हम पेस्ट ऐड कर देंगे नारियल का, तकरीबन 3 चम्मच का लगभग नारियल का पेस्ट हम ऐड किए हैं। अब देखिए इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन हम 4 चम्मच ऐड करेंगे इसमें। मैदा भी हम 4 चम्मच ऐड करेंगे। ये सारा चीज हम ऐड कर देंगे। और ये बाटी में हम 1 बाटी पानी ले लिए हैं, ये पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मसाला में देखिए हम कटा हुआ धनिया लिए हैं, गोल मरीच पाउडर लिए हैं, गरम मसाला लिए हैं, चाट मसाला लिए हैं, फूड कलर लिए हैं, हल्दी पाउडर लिए हैं। ये सारा चीज हम इसमें ऐड कर दिए हैं और धनिया पाउडर लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर लिए हैं। ये सारा ऐड करके हम अब पेस्ट बनाएंगे, इसका एक बैटर बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैदा, बेसन, ये सब हम ले लिए, आपको दिखा दिए हैं, आप हर चीज देख सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हाथों का जरिया इसको हम मिक्स करेंगे, एक बढ़िया सा बैटर बनाएंगे। हम 1 बाटी पानी लिए हैं, 1 बाटी पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं। हल्दी पाउडर भी हम लिए हैं इसमें, हल्दी पाउडर और ऑरेंज फूड कलर, जब दोनों मिक्स करके एक बैटर बनाइएगा उसका अलग ही निखार आएगा, अलग ही खूबसूरती आएगा। आप चाहे तो खाली हल्दी पाउडर भी दे के बना सकते हैं, लेकिन हल्दी पाउडर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आलू मिट्टी का नीचे में रहता है तो बहुत सा उसमें होता है कीटाणु वगैरह। हल्दी क्या होता है जो बहुत सा चीज काट देता है। तो देखिए इसको हम मिक्स कर लिए हैं बढ़िया से। अब इसमें हम क्या करेंगे, नींबू देंगे। दोबारा बुलाइए ना तो सुनिएगा भी वैसे ही। तो देखिए मिक्स कर लिए हैं, यहाँ पे देखिए 4 भाग का 1 भाग हम नींबू लिए हैं, वो हम ऐड कर देंगे। और इसको हम मिक्स कर देंगे। और इसको हम रख देंगे जब तक हमारा आलू बॉईल हो रहा है, 1 मिनट तक हम उसको बॉईल करेंगे। देखिए 1 मिनट हो गया है, मिट्टी वाला आलू हमारा बॉईल हो गया है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसका पानी हम निकाल लेंगे। और निकाल के आपको हम दिखा रहे हैं, एक ठो जाली वाला बॉल में हम इसको छान लेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं हम कढ़ाई में से उतार लिए हैं और यहाँ पे देखिए एक बॉल में हम मिट्टी वाला आलू निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक प्लेट ले लिए हैं, ये प्लेट में हम मिट्टी वाला आलू आस्ते आस्ते करके इस टाइप का थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे इसको। आप चाहे तो पंखा में ठंडा कर सकते हैं, अगर आपका पास टाइम है तो इसी टाइप का आप छोड़ दीजिए, ये अपने ही ठंडा हो जाएगा 3-4 मिनट में ही, ये आप देख सकते हैं। अभी तो ये बहुत गर्म है, अभी इसको पंखा का नीचे में हम ले जाके रख देंगे ठंडा करने के लिए। उसका पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए कढ़ाई बैठा देंगे। अब फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। तो देखिए कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं धुआं उठ रहा है। अब इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहे सरसों ऑयल ले सकते हैं, आप चाहे सादा ऑयल भी ले सकते हैं। फ्लेम हम लो कर दिए हैं
और तेल को बढ़िया से हम गरम होने देंगे। फ्लेम हम हाई कर देंगे, तेल को हम गरम होने देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं तेल हमारा गरम होके आ गया, आलू भी हमारा ठंडा हो गया, एकदम सॉफ्ट सूख गया। और यहाँ पे देखिए जो बैटर हम मिक्स करके रखे थे वो बैटर हम ले लिए हैं, अब देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, यही बैटर में एक आलू हम इस टाइप का मिक्स कर लेंगे। ऐसा तो बहुत किस्म का फ्राई खाए हैं हम भी, बहुत किस्म का बनाए हैं, लेकिन ये वाला जो है बहुत ही टेस्टी है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक एक करके हम तेल में छोड़ते जाएंगे। फ्लेम हमारा हाई है, तेल हमारा देख सकते हैं गर्म हो गया है। अगर आपको अंदाज नहीं मिलेगा तो एक टिंका लकड़ी वाला डाल के देख लीजिएगा, जो टिंका चुभाते ही तेल फूटना चालू हो जाएगा टिंका पर ही, तो समझ आइएगा जो तेल हमारा गर्म हो गया। इसको देखिए उलट पलट के हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम हम लो कर देंगे, लो फ्लेम में ही इसको हम फ्राई करेंगे। इस टाइप का थोड़ा सा हिलाते हिलाते फ्राई करेंगे। अब देखिए ये तो एक टाइप का हो गया फ्राई हमारा। अब हमको दूसरा सिस्टम का आपको दिखाना है। ये एक टाइप का हम कर लिए हैं एक डिश का, जो हाँ इस टाइप का फ्राई होता है। और एक हम फ्राई करके दिखाएंगे आपको, वो है जो डायरेक्ट हम पहले इसमें दो आइटम का आपको हम दिखाएंगे, आपको जो वाला पसंद आएगा वो वाला आप खाइएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं ये आलू है, इसको हम पहले क्या करेंगे तेल में फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं इस तरह का तेल में पहले इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, उससे क्रंची होगा और खाने में भी और टेस्टी लगेगा। और पहले वाला जो हम फ्राई किए हैं वो अंदर से सॉफ्ट रहेगा और खाने में उतना ही स्वाद लगेगा, लेकिन ये थोड़ा क्रंची टाइप का होगा, तो ये थोड़ा खस्ता टाइप क्रंची टाइप लगेगा। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं उलट पलट के हम दोनों साइड फ्राई कर लेंगे। बड़ा बड़ा है, आप चाहे तो छोटा पीस भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम एक मिनट तक हम फ्राई किए हैं। अब इसको हम इस टाइप का थोड़ा सा तेल निकाल लेंगे और डायरेक्ट इसको हम बॉल का अंदर में ही देंगे। ये देखिए अब ऊपर नीचे करते हुए एकदम इसको बैटर लगा देंगे। अब करछुल का ये जरिया उठा के हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। देखिए एकदम इजी है, अब खाने में बहुत ही जबरदस्त है और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। विटामिन इसमें भरपूर मिलता है और ये बहुत हड्डी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो मिट्टी का आलू बहुत किस्म का होता है, लेकिन ये वाला आलू बहुत फायदा है। अब इसको भी हम उसी टाइप का फ्राई करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्राई हमारा हो गया है ये भी, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब जैसा वाला आपको खाने का पसंद है, जैसा वाला आपको, जैसे कि हम दो किस्म का इसमें फ्राई दिखाएं, जो वाला आपको फ्राई पसंद है
वही वाला फ्राई करके खाइएगा। हम ऐसे ही फ्राई करके ज़्यादातर पसंद करते हैं हमारे हस्बैंड, और बच्चा लोग थोड़ा सॉफ्ट पसंद करते हैं। तो हम दो पीस इस टाइप का करेंगे और बाकी हम सॉफ्ट वाला करेंगे। तो सारा बना के आपको हम दिखा रही। तो देखिए फ्राई हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे सारा। आप देख सकते हैं फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और उतार के हम आपको दिखा रही। तो देखिए मिट्टी का आलू मसालादार फ्राई चटपटा सा बन के रेडी हो गया। देखिए बहुत किसी का देखे होंगे लेकिन इतना बड़ा किसी का नहीं देखे होंगे। ये हम मैक्सिमम घर में बना के खाते हैं, कहीं कि ये ज्यादातर गांव में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ ग्रीन चटनी बना लिए हैं और फ्राई तो आप देख ही लिए हैं। जिस टाइप का हम बनाए हैं उसी टाइप का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप बनाइए, देखिएगा आपका डिश बहुत ही अच्छा बनेगा, हर किसी को पसंद आएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ये थोड़ा ग्रीन चटनी जो बनाए हैं इसको थोड़ा हम ऊपर से दे देंगे सजाने के लिए। इसका साथ में बहुत अच्छा लगता है। और ग्रीन चटनी हम बनाए हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं आप। दो किस्म का फ्राई दिखाए हैं, जो आपको पसंद है उसी टाइप का बना के खाइए। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा। निशा बेगम भाई लजीज किचन का चैनल को हमारा तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम नमस्ते। हमारा तरफ से आप सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते।